दोस्तों, आज हम इस वीडियो में केप्लर 90 सिस्टम यानी एक नया सौर मंडल के 8 ग्रह की जानकारी लेने वाले हैं। मैंने पिछले वीडियो में केप्लर 90 सिस्टम के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी दी थी, पर आज हम इस वीडियो में और थोड़ा जानने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए। जैसे हमारे सौर मंडल में सूर्य के साथ 8 ग्रह है, वैसे ही केप्लर 90 मंडल में भी कुल 8 ग्रह है। पर केप्लर 90 मंडल में ध्यान देने वाली बात यह है कि इस मंडल के 8 ग्रह एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में समा जाते हैं, यानी कि हमारे सौर मंडल में सूर्य से लेकर पृथ्वी तक जितना अंतर है, उतना ही अंतर में केप्लर 90 सिस्टम के सभी 8 ग्रह समा जाते हैं। इसका मतलब केप्लर 90 सिस्टम से हमारा सौर मंडल 30 गुना बड़ा है, क्योंकि हमारा वरुण ग्रह सूर्य से 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है। चलिए अभी हम 8 ग्रह के विषय में कुछ बातें जानते हैं। जैसे हमारे सौर मंडल के केंद्र में सूर्य है, वैसे ही केप्लर 90 मंडल में केप्लर 90 यह तारा स्थित है और 8 ग्रह केप्लर 90 तारे की परिक्रमा करते हैं। अभी हम सबसे पहले ग्रह केप्लर 90 बी के बारे में जानते हैं। यह ग्रह अपने केप्लर 90 तारे से 1,10,70,242 किलोमीटर दूर से परिक्रमा करता है। एक चक्कर पूरा करने में सिर्फ 7 दिन लेता है। इस ग्रह का व्यास 16,692 किलोमीटर है, यानी पृथ्वी से लगभग 1.31 गुना बड़ा है। केप्लर 90 बी के तापमान की बात करूँ तो स्थिर तापमान 869 डिग्री सेल्सियस है। अभी दूसरे ग्रह केप्लर 90 सी के बारे में जानते हैं। यह ग्रह अपने केप्लर 90 तारे से 1,33,14,210 किलोमीटर दूर से परिक्रमा करता है और एक चक्कर पूरा करने में सिर्फ 8.7 दिन ही लेता है। इस ग्रह का व्यास 15,162 किलोमीटर है, यानी पृथ्वी से लगभग 1.19 गुना बड़ा है और स्थिर तापमान 707 डिग्री सेल्सियस है। अभी तीसरे ग्रह केप्लर 90 आई के बारे में जानते हैं। यह ग्रह अपने केप्लर 90 तारे से 1,60,06,972 किलोमीटर दूर से परिक्रमा करता है और एक चक्कर पूरा करने में सिर्फ 14 दिन लेता है। इस ग्रह का व्यास 16,819 किलोमीटर है, यानी पृथ्वी से लगभग 1.32 गुना बड़ा है और स्थिर तापमान 436 डिग्री सेल्सियस है। अभी चौथे ग्रह केप्लर 90 डी के बारे में जानते हैं। यह ग्रह अपने केप्लर 90 तारे से 4,78,70,000 किलोमीटर दूर से परिक्रमा करता है और एक चक्कर पूरा करने में 59 दिन लगते हैं। इस ग्रह का व्यास 36,951 किलोमीटर है, यानी पृथ्वी से लगभग 2.9 गुना बड़ा है और स्थिर तापमान 245 डिग्री सेल्सियस है। अभी पांचवें ग्रह केप्लर 90 ई के बारे में जानते हैं। यह ग्रह अपने केप्लर 90 तारे से 6,28,31,000 किलोमीटर दूर से परिक्रमा करता है और एक चक्कर पूरा करने में 91 दिन लगते हैं। इस ग्रह का व्यास 34,403 किलोमीटर है, यानी पृथ्वी से लगभग 2.7 गुना बड़ा है और स्थिर तापमान 174 डिग्री सेल्सियस है। अभी छठवें ग्रह केप्लर 90 एफ के बारे में जानते हैं। यह ग्रह अपने केप्लर 90 तारे से 7,18,07,000 किलोमीटर दूर से परिक्रमा करता है और एक चक्कर पूरा करने में 124 दिन लगते हैं। इस ग्रह का व्यास 36,951 किलोमीटर है, यानी यह भी ग्रह केप्लर 90 डी जैसा पृथ्वी से 2.9 गुना ही बड़ा है और स्थिर तापमान 134 डिग्री सेल्सियस है। अभी सातवें ग्रह केप्लर 90 जी के बारे में जानते हैं। यह ग्रह अपने केप्लर 90 तारे से 10,62,10,000 किलोमीटर दूर से परिक्रमा करता है। एक चक्कर पूरा करने में 210 दिन लगते हैं। इस ग्रह का व्यास 1,03,210 किलोमीटर है, यानी पृथ्वी से लगभग 8.1 गुना बड़ा है और स्थिर तापमान 66 डिग्री सेल्सियस है। यह ग्रह गैस जायंट कहलाता है। अभी आठवां और आखिरी ग्रह केप्लर 90 एच के बारे में जानते हैं। यह ग्रह अपने केप्लर 90 तारे से 15,10,90,000 किलोमीटर दूर से परिक्रमा करता है और एक चक्कर पूरा करने में 331 दिन लगते हैं। इस ग्रह का व्यास 1,43,984 किलोमीटर है, यानी पृथ्वी से लगभग 11.3 गुना बड़ा है।
यानी करीब करीब हमारे बृहस्पति ग्रह के इतना बड़ा विशाल है, और स्थिर तापमान 19 डिग्री सेल्सियस है, और यह भी ग्रह गैस जाइंट कहलाता है। दोस्तों आपको बता दूं कि कैप्लर 90i को छोड़ सभी ग्रह की खोज कैप्लर स्पेस टेलीस्कोप ने 2013 में की थी। फिर 2017 में गूगल की मदद से कैप्लर 90i को भी खोजा गया और एक नए 8 ग्रह वाले सौर मंडल की खोज हो गई। इस कैप्लर 90 मंडल में एक हैरान करने वाली बात यह है कि आगे के सभी 5 ग्रह पर एक बाजू हमेशा अंधेरा रहता है और दूसरी बाजू हमेशा के लिए उजाला में रहता है। आई होप दोस्तों मुझे जितनी जानकारी मिली मैंने आपके साथ शेयर की। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। हमारे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।